जय श्री हरि। बंधुओं, कुछ समय पहले हमने रामपाल जो संत कहलाते हैं अपने को, उनके विषय में चलचित्र डाला था। उसमें हमने बताया था कि जब रामपाल संत जो अपने को कहते हैं, उन्होंने अपने वीडियो में डाला कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने को कहीं और काल नहीं कहा है, कहीं और वो रूप नहीं दिखाया है। तब हमने महाभारत से उद्धरण दिया था, प्रमाण दिया था कि कहाँ कहाँ उन्होंने काल कहा है अपने को, महाभारत से दिखाया था, और अपने स्वरूप का भी दर्शन उन्होंने उसमें कराया था। जबकि रामपाल जी ने यदि संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया होता तो उन्हें पता होता कि संपूर्ण या एक चौथाई का भी अध्ययन किया होता तो उन्हें पता होता कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने को कहाँ कहाँ पर काल कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने या श्री राम जी ने। किंतु उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने बस अपने कथन को कि सब शिष्यों में प्रचार हो जाएगा, तुरंत बोल दिया कि कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के अतिरिक्त नहीं कहा है कि मैं काल हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक उद्धरण तो दिया था महाभारत से, मार्कंडेय पुराण से, एक और उद्धरण आपको देता हूँ श्री मत्स्य महापुराण से कि कहाँ पर भगवान ने कहा है अपने को काल। मत्स्य पुराण गीता प्रेस की, ठीक, मत्स्य पुराण के अंतर्गत अध्याय देखने आप 167 अध्याय, 167 अध्याय में नीचे देखें, ये देख, श्री भगवान बोले, ब्रह्मन में सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा सबका विनाशक नारायण हूँ, जो सहस्त्र शीर्ष आदि नामों से अभिहित होता है। सहस्त्र शीर्ष, वही गीता वाली बात यहाँ पर कह दी है श्री भगवान ने, भगवान नारायण ने, वह मैं ही हूँ, मैं ही आदित्य पुरुष। यहाँ ये भी बता दिया है कि वही पुरुष हैं और यज्ञ में ब्रह्ममय यज्ञ हूँ मैं ही, हवन को वहन करने वाला अग्नि, यज्ञ में जो हवन होता है उसकी अग्नि को वहन करता हूँ, और जल उसकी अग्नि मैं ही हूँ, और जल जंतुओं का अविनाशी स्वामी हूँ, इंद्रपद पर स्थिर रहने वाला इंद्र तथा वर्षों में परिवर्तन हूँ, अर्थात सभी श्रेष्ठ वस्तुओं में मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ भी उनका यही है, जिनमें जो जो योग्यता है वो सब मेरे से उत्पन्न हुई जानो, इसका तात्पर्य यह है। मैं ही योगी, युग नाम से प्रसिद्ध और युगों का अंत करने वाला हूँ, ये देखिए, युगों का अंत करने वाला, समस्त प्राणियों और संपूर्ण देवता मेरे ही स्वरूप हैं। यहाँ नीचे देखिए, मैं सभी प्राणियों का अंत करने वाला तथा लोकों का काल हूँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, काल संगितः विश्वेशाम सर्व कृतांतः सर्वभूतानां विश्वेशाम काल संगितः। तो बंधुओं, यहाँ पर हमने आपको दूसरी बार आपको दर्शा दिया कि भगवान ने अपने को काल कहा है मत्स्य पुराण से 167 अध्याय, श्लोक नंबर है 54, आप कहीं से भी देख सकते हैं किसी भी मत्स्य पुराण में। तो यहाँ ये सिद्ध हो गया कि भगवान अपने को ही काल कहते हैं, अपने को ही सहस्त्र शीर्ष कहते हैं, अपने को ही सभी कुछ कहते हैं। अब बंधु, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कबीर जी ने अपनी पुस्तक रची, एक कबीर जी ने नहीं, इन्होंने रामपाल जी ने अपनी एक पुस्तक रची जिसका नाम रखा इन्होंने ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में उन्होंने जितने भी कवि के अर्थ, जितने भी शास्त्रों में कवि शब्द आया, कवि शब्द, एक शब्द आपको कहीं भी कबीर मिलेगा ही नहीं, इन्होंने सारे कवि शब्दों को कबीर, कवि शब्द कबीर, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने कबीर। मैं एक अर्थ दिखाता हूँ क्योंकि विस्तार हो जाएगा वीडियो का बहुत, इसलिए मैं अधिक चलचित्र का विस्तार करने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं आपको एक यजुर्वेद का इन्हीं के ज्ञान गंगा से पेज नंबर 85 पे बताता हूँ। इन्होंने प्रमाण दिया है पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में। किस चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं ये? पवित्र शास्त्र भी कबीर परमेश्वर के साक्षी, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। इन्होंने ये एक श्लोक उद्धृत किया है यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, कविरसी लिखा है, कविरसी प्रचेता,
इस कवि रसी को इन्होंने लिख दिया कवि, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कबीर देवता, कबीर परमेश्वर कवि है, कबीर है, आप कबीर हैं। इसका पूरा अर्थ इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है, इन्होंने इसका अर्थ बनाया है आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजन पूजा जो हानिकारक होती है, कुछ भी अर्थ अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है, उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक पूजा है, दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेह वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध करने वाला, बोध कराने वाला आप कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर कबीर है, कुछ भी अर्थ। वीडियो का विस्तार हो रहा है, आप पूरा देखिए वीडियो क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। अब देखिए मैं आपको यजुर्वेद से ही दिखाता हूँ इस मंत्र का क्या अर्थ है। इनका मंत्र था 29 अध्याय का 25 मंत्र। मंत्र 25, यहाँ इसका अर्थ देखिए। हे उत्पन्न ज्ञान अग्ने यजमान के यज्ञ ग्रह में समिद्ध तुम आज देवों का यजन करते हो। हे मित्रों को मान देने वाले अग्ने तुम कवि व प्रकृष्ट चित्त वाले हो। हे उत्पन्न ज्ञान अग्ने तुम कवि व प्रकृष्ट चित्त वाले हो, तुम देवों को यज्ञ में लाओ। अग्नि को कह रहे हैं तुम देवों को यज्ञ में लाओ। हे उत्पन्न ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि। अब देख हमने यजुर्वेद से दिखा दिया आपको, हमने मत्स्य पुराण से आपको प्रमाण दिखाया, अब हम आपको दिखाते हैं अमरकोश। ये अमरकोश है वामन शिवराम आप्टे का संस्कृत हिंदी कोश, चौखंबा से प्रकाशित है, आप कोई भी देख सकते हैं इसे लेके, मेरा बनाया हुआ नहीं है। यहाँ देखिए पेज नंबर 259, इन्होंने अर्थ किया है यहाँ पर कवि। कवि का अर्थ है सर्वज्ञ। कवि के और भी अर्थ हैं प्रतिभाशाली, चतुर, बुद्धिमान, विचारवान, विचारशील, प्रशंसनीय आदि। अब देखिए चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, मनुस्मृति का इन्होंने उदाहरण दिया है। चौथे अध्याय का 24वां श्लोक सर्वज्ञ मनुस्मृति का उदाहरण। आपको दिखाते हैं चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, क्षमा कीजिए चौथे अध्याय का 24वां नहीं, दूसरे अध्याय का 151वां श्लोक आपको दिखाते हैं। पहले आपको पुनः वो दिखा दें, अमरकोश जिसका अर्थ बुद्धिमान होता है दूसरे में, और सर्वज्ञ भी होता है मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 151वां श्लोक।
यहाँ कवि शब्द आया है। द्वितीय अध्याय 151वां श्लोक, द्वितीय अध्याय 151वां श्लोक, यहाँ जो कवि शब्द आया है ये देखिए, कवि अंगिरस के विद्वान पुत्र ने अपने चाचा तथा बड़े भाइयों को पढ़ाया इसलिए उनको पुत्र शब्द से संबोधित किया। अध्यापयामास पितरं शिशुरांगिरस कवि, अंगिरस के विद्वान पुत्र ने, कवि विद्वान पुत्र ने, ठीक है। अब देखिए दो प्रमाण आपको हमने दे दिए, तीसरा प्रमाण भी देख लीजिए। एक रामपाल जी के शिष्य हमें यह भी बता रहे थे कि हम कबीर को देखो कवि बता देते हैं शास्त्रों से, और कवि का अर्थ कबीर ही होता है, नहीं तो दिखाओ विष्णु को तुम कैसे कवि कहोगे, उसे तो कवि कह नहीं सकते। अच्छा ये एक बात और कि ये कवि मानते हैं कबीर को, जबकि कवि का एक और अर्थ होता है, कवि का और अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला। कवि का एक और अर्थ होता है बंधुओं प्रार्थना करने वाला, तो उस अर्थ में तो उन्हें कह सकते हैं कि कवि है। एक कुछ समय दीजिए आप, ये देखिए प्रार्थी, प्रार्थी, प्रार्थी काव्यकार प्रार्थी। अब हम आपको एक और शास्त्र से, एक और शास्त्र से अब हम आपको दिखाएंगे कि कवि का वास्तविक अर्थ क्या होता है, और भगवान विष्णु को भी कवि कहते हैं यह भी हम आपको प्रदर्शित करेंगे। जो कबीर के शिष्यों ने कहा था कि, रामपाल के शिष्यों ने कहा था कि कबीर भगवान विष्णु को तो आप कवि दिखा ही नहीं सकते। महाभारत अनुशासन पर्व, उसमें अनुशासन पर्व में लगभग 187वां अध्याय है, यहाँ देखिए विष्णु सहस्त्रनाम, अनुशासन पर्व महाभारत, इसमें 132वां नाम है कवि। इन्होंने वैसे कभी विष्णु की प्रशंसा सुनी भी होगी तो इग्नोर कर दी होगी। ये देखिए सर्वगह सर्व विद्वानो विश्वक्सेन जनार्दन, ठीक है, वेद वेद वित् अध्यंग वेदांग वेद वित् कवि ही, कवि ही अर्थात 132वां नाम कवि ही अर्थात सर्वज्ञ। तो बंधुओं आपके समक्ष रामपाल के कवि अर्थ का हमने कपट आपको बता दिया, जो कि इन्होंने असत्य बोला था, हर जगह कवि को कवि, कवि को कवि, कवि को कवि। तो इनके ये जो अर्थ निकल रहे हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी अर्थ लगाना, जैसा कि हमने इसमें बताया था इनके इस वाले वाक्यों में कुछ भी अर्थ लगाना, कुछ भी आप पढ़ के देख लीजिए। झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र से, शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा। बंधुओं इनके चक्कर में आप मत फंसिए, भगवान नारायण की उपासना कीजिए। आप सभी को धनतेरस, धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन की, जो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उन सभी को शुभकामनाएं। शास्त्र में रहिए, शास्त्र की आज्ञा का पालन कीजिए, शास्त्र से अलग अपनी बुद्धि न विचारिए। जय श्री हरि।